It's one small step for man, one giant leap for mankind. NASA यानी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में अंतरिक्ष की दुनिया दिखाई देनी शुरू हो जाती है। फिर चाहे वो कोई ब्लैक होल हो या फिर करोड़ों लाइट ईयर दूर की अन्य गैलेक्सी हो या फिर हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी में घूम रहे करोड़ों सूरज जैसे तारे और अरबों ग्रह हो, ब्रह्मांड की दुनिया इतनी अनोखी है कि जो भी एक बार स्पेस की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू करता है तो वो उसकी दुनिया में ही खोना शुरू हो जाता है। ब्रह्मांड की दुनिया को हमसे रूबरू कराने में नासा और बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें ना जाने कितने ही मिशन शामिल थे। लेकिन नासा के कई ऐसे ऐतिहासिक मिशन भी थे जो आज के समय में हर किसी को पता होने चाहिए, क्योंकि उन मिशन की सफलता से अंतरिक्ष की दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। तो आज की वीडियो में हम नासा के कुछ ऐसे ही मिशंस के बारे में जानेंगे जो नासा के लिए बहुत ही बड़े माइलस्टोन साबित हुए थे। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड टीवी के आज के इस नए एपिसोड को। एक्सप्लोरर वन यूएस द्वारा बनाया गया पहला सैटेलाइट था, जिसे 31 जनवरी 1958 को फ्लोरिडा के केप कनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था, जो नासा के JPL यानी जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा डिजाइन भी किया गया था। एक्सप्लोरर वन एक कॉस्मिक रे डिटेक्टर था, जिसका प्राइमरी मिशन था पृथ्वी के रेडिएशन एनवायरनमेंट को मेजर करना। एक्सप्लोरर वन से हमें अंतरिक्ष की पहली साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में भी पता लगा था कि हमारी पृथ्वी इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल की रेडिएशन बेल्ट से घिरा हुआ है, जो लगभग लाइट की स्पीड से पृथ्वी के अराउंड घूमते हैं। एक्सप्लोरर वन ने पृथ्वी को करीब 58,000 बार ऑर्बिट किया था और फाइनली अपने मिशन को पूरा करने के बाद 31 मार्च 1970 को एक्सप्लोरर वन पृथ्वी के वातावरण में जलकर खत्म हो गया था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन थे, लेकिन क्या आपको पता है एलन शेफर्ड नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, जिन्होंने 5 मई 1961 में आउटर स्पेस को एक्सप्लोर किया था। वो दिन नासा के लिए काफी चुनौतियों से भरा भी था, क्योंकि पहली बार नासा किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेज रहे थे। लॉन्च के समय एक ऐसा समय भी आया था जब नासा की टीम की सांसें अटक गई थी, क्योंकि ऑर्बिटर पावर इन्वर्टर में काफी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, जिसे ठीक करने में करीब 85 मिनट का समय लगा था। लॉन्च को कई बार होल्ड पर डाला गया था और हर बार कई खामियों को क्रॉस चेक किया गया था, ताकि लॉन्च के बाद कोई भी ऐसी दिक्कत ना आ जाए जिससे एलन की जान को खतरा हो। देन फाइनली रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया था और बिना किसी मेलफंक्शन के एलन करीब 185 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी को ऑर्बिट कर रहे थे और उन्होंने करीब 150 मिनट 28 सेकंड तक अंतरिक्ष में बिताया था, जिसके बाद वे अटलांटिक ओशन में सफल लैंड कर गए थे। 1990 से पहले हमारा अंतरिक्ष को देखने और समझने का सिर्फ एक ही नजरिया था, जो था ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप, जिसमें हमें अंतरिक्ष में कई हैरान कर देने वाली चीजें दिखती तो थी पर वो क्लियर नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण में धूल, बादल, वाटर वेपर, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लाइट के कारण इन टेलीस्कोप के लेंसेज से जो हमें देखना था वो क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा था। और वहीं एक आइडिया ने जन्म लिया था कि क्यों ना हम एक ऐसा टेलीस्कोप बनाएं जो बहुत ही विशाल होगा और पृथ्वी के बाहर यानी अंतरिक्ष से ब्रह्मांड की दुनिया को देखेगा, हबल स्पेस टेलीस्कोप। यह एक ऐसा इनोवेशन था जिसने ब्रह्मांड की दुनिया को बहुत ही करीबी से दिखाया था, जिसमें गैलेक्सीज, एक्सोप्लैनेट, डिस्टेंट स्टार, ब्लैक होल शामिल हैं। लेकिन इतने बड़े स्पेस टेलीस्कोप को बनाना इतना आसान भी नहीं था, इसलिए नासा और ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने साथ मिलकर हबल को बनाने का फैसला किया और फाइनली 1990 में हबल को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, अपोलो 11 नासा का और मानव इतिहास का एक ऐसा माइलस्टोन रहा है जो स्पेस की दुनिया में सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। सबसे पहले अमेरिकन को अंतरिक्ष में भेजने के ठीक 20 दिन बाद ही US प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने पूरी दुनिया के सामने ये अनाउंस कर दिया था कि अमेरिका बहुत ही जल्द चांद पर भी जाने वाले हैं, जिसके बाद अपोलो मिशन की शुरुआत हुई। कैनेडी के इस गोल को अचीव करने में करीब 8 सालों का लंबा समय लगा था और अपोलो प्रोग्राम की शुरुआत में ही नासा को बहुत बड़ा झटका भी लगा था,
क्योंकि 1967 में अपोलो 1 के लॉन्च पैड में तकनीकी खराबी के कारण बहुत ही बुरी आग लग गई थी, जिसके कारण उस लॉन्च पैड में सवार तीनों एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई थी। और फिर अगले 2 सालों तक नासा ने अपोलो प्रोग्राम से जुड़े 9 मिशन्स, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर, सभी उपकरणों को चेक किया गया था। और जब सब कुछ प्लान के मुताबिक सही रहा तो फाइनली 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 को लॉन्च किया गया, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन को भेजा गया था। और जब नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को अपना पहला कदम चांद पर रखा तो पूरी दुनिया में उनका कोट वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड फेमस हो गया था। वो मंजर पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग लाइव इस मिशन को देख रहे थे, जिसके बाद जॉन एफ कैनेडी ने पूरी दुनिया के सामने आकर ये कहा, वी चूज टू गो टू द मून, वी चूज टू गो टू द मून इन दिस डिकेड एंड डू द अदर थिंग्स, नॉट बिकॉज़ दे आर इजी बट बिकॉज़ दे आर हार्ड। तो दोस्तों, ये थे नासा के वो मिशन जिनको आज भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।